मार्केट में वर्जिनिटी ब्लड कैप्सूल मिलता है, मतलब आर्टिफिशियल हाइमिन। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अगर आप में से कोई भी ये कैप्सूल ले रहा है तो मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहती हूँ कि प्लीज ऐसी पागलपंती ना करे, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही बेकार है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इससे वाहियात प्रोडक्ट ना मैं देखना चाहता हूँ, मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। एंड यार इतने सेंसिटिव पार्ट्स पे वो सब प्रोडक्ट्स डालना, वो भी बिना दिमाग चलाए, ये कहाँ की समझदारी हुई? मतलब आप ही के जेनिटल्स को हार्म करेगा ना, मतलब कुछ भी हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी। और हाँ, प्रोडक्ट्स तो बहुत आएंगे मार्केट में और उनके एड्स भी चलेंगे, और वही सब एड्स की वजह से ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है, बट हमें तो समझदारी से काम लेना पड़ेगा। आई नो इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे वर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट इतना हाइप कर चुके हैं, बट यार वर्जिनिटी जैसा कुछ है ही नहीं। वो जो लड़कियों का हाइमन होता है वो कभी भी स्ट्रेच हो सकता है। और ना कुछ लोग तो ये व्हाइट बेडशीट टेस्ट भी करते हैं। व्हाइट बेडशीट टेस्ट मतलब लड़कियों का अगर ब्लड स्टेन्स दिखा वो व्हाइट बेडशीट पे तो वो वर्जिन है, और नहीं दिखा तो वर्जिन नहीं है। यू डोंट हैव टू प्रूव योर वर्जिनिटी टू एनीवन, गेट दैट स्ट्रेट इन योर माइंड।